हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये पगड़ी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए जो हमने ड्रेस बनाई थी इससे पहली वाली वीडियो में, देखिए पटके वाली जो हमने ड्रेस बनाई थी, ये है इसके साथ की चोली फ्रेंड्स। तो जो हमने जो ड्रेस बनाई थी इसके साथ की, ये देखिए मैं आपको मैचिंग पगड़ी जो है वो आज बनाना सिखाऊंगी। और ये बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर लग रही है ये पगड़ी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पगड़ी कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पगड़ी बनाने के लिए मैंने पगड़ी का बेस रेडी कर लिया है, और ये बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको ये बताया हुआ है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, अपने कान्हा जी की सर की गोलाई लेनी है फ्रेंड्स। उस गोलाई के से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, और अपने और उसको मैंने ये देखिए दोनों साइड से रेड कपड़े से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है फैब्रिक ग्लू से। उसके बाद ये शेप मैंने कट करी इसमें, और ये देखिए यहाँ से चिपका के और ऊपर ये चिपका दिया है मैंने। मैं बेस की वीडियो आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बनाना बताया हुआ है इसको। और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ली जो हमने अपना चुंदरी प्रिंट का जो कपड़ा जो है वो ड्रेस में यूज़ किया है, सेम वही लिया मैंने। वो 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी मैंने, और ये देखिए इस तरीके से ऐसे और ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर मैंने प्रेस लगा ली। तो इससे क्या है, हमारी ये पट्टी ऐसे ही सेट रहेगी, तो पगड़ी बनाने में जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आपको अच्छी कम से कम 40-45 इंच लेंथ ले लेनी है फ्रेंड्स इसकी। तो हमें अब हम बनाएंगे पगड़ी। तो पगड़ी बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले जो हमने पीछे से स्टिच किया है, यहाँ पर सॉरी पेस्ट किया है, यहाँ पर हम रखेंगे इसको, और यहाँ से देखिए इस तरीके से ऊपर से इसको लेंगे, और ये यहाँ पर ये देखिए जो हमने हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसको यहाँ पर हमें ग्लू लगाते जाना है फ्रेंड्स। और ग्लू लगा के और हम यहाँ पर इसको इस तरीके से देखिए फिर हम ये नीचे ऐसे पेस्ट करते जाएंगे ग्लू लगाकर, और ये देखिए ऐसे, और फिर ये देखिए इस तरीके से फिर हम यहाँ से लेकर आएंगे, और अब हमें दूसरी पट्टी जो है वो हाँ इसको इस तरीके से कवर करते हुए लेनी है। देखिए थोड़ी सी हमें लेयर दिखानी है फ्रेंड्स, तो हमने आधे से ऊपर इसके ऊपर हमें लेनी है, थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे ऊपर इस तरीके से, और पीछे से हमें सेम इसी प्रोसीजर से लेनी है। जब आप ग्लू लगाएंगे तो अच्छे से पेस्ट होती चली जाएगी। अब ये देखिए हम यहाँ से लेंगे इसको, और यहाँ फिर से हम इस तरीके से ये हाफ ऐसे लेते जाएंगे इसको गोल। ये जब हम पेस्ट करेंगे तो फ्रेंड्स ये अच्छे से आ जाएगी, और फिर हम इसको इस तरीके से फिर हम इसको नीचे से यहाँ से लेना शुरू करेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे, और फिर हम इसको अब हम इधर की साइड से पेस्ट करना शुरू करेंगे ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी थोड़ी सी पट्टी छोटी है, तो मैंने ये एक और तैयार करी है, तो ये मैं यहाँ पर फिर से पेस्ट कर दूंगी, और इसको इस तरीके से हम, और फिर लास्ट जो है हम इसको इस तरीके से करेंगे, ये ऐसे हमारी पगड़ी की शेप आ जाएगी, और इसको हम ये ऐसे ऊपर से कर देंगे, तो हमारी पूरी पगड़ी की शेप जो है वो आ जाएगी। ऐसे ही गोल घुमाते हुए हमें अपनी पगड़ी की शेप बना लेनी है। तो चलिए हम ये तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, ये बेस हमारा बनके तैयार है। देखिए बिल्कुल बाजार जैसा, मार्केट जैसा हमारा जो है वो पगड़ी का बेस बना है। तो इसी प्रोसीजर से अगर आप बनाएंगे तो आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हम बनाते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए कलगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कलगी के लिए मैंने ये यहाँ पर अपना चुंदरी प्रिंट का कपड़ा लिया, और इसकी लेंथ देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये है 2 इंच। मैंने 2.5 इंच लिया था फ्रेंड, 2.5 का मतलब डबल, 5 इंच मैंने लिया था इस तरीके से, क्योंकि इसको ये देखिए मैंने डबल किया हुआ है, यहाँ से देखिए डबल किया हुआ है। और इसकी लेंथ जो है वो मैंने ली थी 11 इंच ली थी मैंने इसकी लेंथ। तो और उसको फिर मैंने प्लेट्स डालकर, ये देखिए इस तरीके से हमने प्लेट्स डाल ली, पहले हमने प्लेट्स डालकर और फिर यहाँ से नीडल थ्रेड से स्टिच कर दिया, तो हमारी ये कलगी बन गई। और एक बनाया फ्रेंड्स मैंने ये, जैसा कि आपने देखा था, जो जब आप ड्रेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है। ये जो हमने पटका बनाया था सेम इसी का तरह का मैंने छोटा बनाया है। तो इसके अंदर जो है ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने यहाँ से इसकी जो ब्रेथ ली थी वो 2.5 इंच ली थी फ्रेंड्स, तो 2.5 इंच मैंने ये ली, और इसकी जो लेंथ है वो हमने ली थी 3.5 इंच। और इसको हमने क्या किया, इसको भी फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे कि ये हमारी 3 इंच है यहाँ से, सॉरी 3.5 इंच है, तो 3.5 की डबल मैंने 7 इंच ली थी, क्योंकि इसको भी मैंने डबल किया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा हार्ड रहे,
तो इस वजह से, और इसको डबल करके, और फिर मैंने देखिए चारों तरफ इसके ये वाली लेस लगा दी अपनी, और यहाँ पर ये जैसे हमने ड्रेस में पटका बनाया था सेम उसी तरीके से मैंने ये छोटा बनाया है। तो अगर आप छोटे कान्हा जी की बना रहे हैं तो आपको ये पटका और छोटा बनाना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप पगड़ी बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपना बेस लेंगे और ये जो कलगी है ये देखिए इसको मैं लगाऊंगी यहाँ पे साइड में। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैं साइड में पेस्ट करूंगी, और ये साइड वाला मैं इसको इधर पेस्ट कर दूंगी, और इसको मैं इधर पेस्ट करूंगी इस तरीके से, और ये वाला ये जब हमारा ये पेस्ट हो जाएगा तो इसको मैं पेस्ट करूंगी इस तरीके से। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स ये जो फ्रंट है हमारा, यहाँ पर जो लेयर आ रही है, तो ये जो हमारा टिश्यू का जो रिबन होता है हाफ इंची वाला, इसको मैंने ये डबल करके, और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे ऐसे अपनी लेयर्स के ऊपर। पहले हम यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर ये जो दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, तो ऐसे इसको डबल कर करके हमें यहाँ लेयर्स में पेस्ट करना है, तो जिससे बहुत अच्छी लुक आएगी। तो पहले हम ये पेस्ट करेंगे फिर हम ये पेस्ट करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पगड़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपने टिश्यू रिबन जो है वो लगा दिया था, और ये देखिए मैंने कलगी चिपका दी है, और ऊपर ये, और इसके ऊपर ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने पेस्ट किया था, तो इसको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये पैच लगा दिया। अगर आपके पास ये ना हो तो फ्रेंड्स आप कोई भी मोती या जैसे मिरर होता है आप वो लगा सकते हैं, या कोई भी आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर पड़ा हो तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है जर्कन वाली चेन लगाई है एक साइड में, तो ये सब ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोन लगा दिया, ऐसे मैंने इस वाली रेड वाली कलगी पर देखो येलो कलर के स्टोन और सिल्वर कलर के स्टोन लगा दिए हैं। और ये देखिए पगड़ी जो है फ्रेंड्स ये बहुत ही सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये देखिए मैचिंग जो है वो हमारी ड्रेस, ये देखिए इसके साथ की चोली भी बहुत सुंदर है, और इसके साथ की ये देखिए बिल्कुल मैचिंग की पगड़ी, ये देखिए बिल्कुल मैचिंग की पगड़ी जो आपके ठाकुर जी पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और आप जन्माष्टमी पर भी इसको बनाकर पहना सकते हैं फ्रेंड्स, और इसको आप ग्रीन कलर में बना सकते हैं, जैसे ये बेस आप ग्रीन ले लीजिए तो उससे आप इसको हरियाली तीज पर भी बनाकर पहना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगी ये पगड़ी ही। और ड्रेस आपके कान्हा जी जब पहनेंगे बिल्कुल न्यू स्टाइल की जो ड्रेस है, और इसके ऊपर जब आप हैवी ज्वेलरी पहनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।